नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का काम जोरों पर है। 5 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, 6ठे चरण की तैयारी है। इस वक्त मैं बलिया में हूँ, बलिया सदर सीट है ये, और यहाँ पहुँचा हूँ। मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश करूँगा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में है, विधानसभा चुनाव होना है, वो किन मुद्दों पर होगा और कैसा है, किस तरह की हवा है विधानसभा चुनाव में। देखिए, यानी विधानसभा का यह है चुनाव, ये दो तरह के, जो काम अच्छा किया उसका कोई नाम नहीं लिया, और जो गलत कर रहे हैं उसका नाम लिया जा रहा है। कहने का ये मतलब है, जितना ने इस 5 साल के लिए ये शुक्ला जी हुए, ये सड़क टूटी फूटी रह गई, आ कोई काम नहीं हुआ 5 साल तक ले। इसी तरह कागज में पैसा भर देते हैं और पैसा उठ जाता है। यहाँ पर चोरबाजारी है, सही बात चोरबाजारी है, जो सब ठीका दिया गया है, दिया मिला किसी को नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय शंकर द्विवेदी है। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, मुद्दों की बात होती है तो विकास की बात होनी चाहिए, मगर लगता है कि विकास के मुद्दे चुनाव में होते हैं। विकास की बात होती है चुनाव में? विकास की बात यहाँ खास तौर से बलिया में जो है, 5 वर्षों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ के कैंडिडेट को भगा दिया गया बैरिया, चले जाओ बैरिया विधानसभा क्षेत्र में, और बुला लिया गया लखनऊ से, फिर वो भी 5 वर्ष काम नहीं करेगा तो अगली बार भगा दिया जाएगा दूसरे क्षेत्र में। यहाँ जो काम किया होता तो उसको भगाया क्यों जाता शुक्ला जी को? शुक्ला जी अच्छे आदमी है, कोई बुरे नहीं है, लेकिन उनको भगाया क्यों गया, इस बात पर आप थोड़ा जज कर रहे हैं दिमाग में कि उनको क्यों भगाया गया यहाँ से? इसलिए कि काम नहीं किया, भगाओ भगाओ। मोदी जी आ गए बलिया में, जगन्नाथ है, ये राजनाथ सिंह जी आ गए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आ गए, वहाँ पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आ गए, सारे बड़े बड़े नेता यहाँ दौड़ के आ रहे हैं, इसीलिए कि बलिया की सब सीट हार रही है भाजपा। बलिया की सारी सीटें हारने की पूरी उम्मीद है, जान लीजिए। यहाँ अखिलेश यादव की सरकार कि सारे 7ों सीटों पर वही लोग विजयी होंगे, यही। आपका क्या नाम है? राहुल सिंह नाम है हमारा। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी जीत रही है। आपका क्या नाम है? धनंजय सिंह। आप विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है आपके बलिया में? जो होगा वही अच्छा होगा। क्या होने वाला है, कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है? ये तो नहीं बता पाएगा कोई कि कौन जीत रहा है। क्या नाम है आपका? किस तरह की हवा है आपके क्षेत्र में? बीजेपी का हवा है। बीजेपी की हवा है, मोदी और योगी जी का हवा है, मोदी जी के। अच्छा, आपको क्या लगता है विकास के जो सरकार ने वायदे किए थे वो वायदे पूरे हुए? कुछ तो विकास किए, विकास हुआ है, सब खुल गए, विकास नहीं हुआ, विकास के वायदे पूरे हुए। आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अमित सिंह। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बीजेपी एकदम बलिया की 7ों विधानसभा सीटें जीत रही है जी, ठीक है। अब फिर योगी जी 250-300 सीटें लाके फिर यूपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और फिर बुलडोजर चलेगा। अच्छा, हाँ। चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? आप युवा हैं, बताएं चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी योगी जी के के साथ चल के, और मोदी जी योगी जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं लाई है भारत में और प्लस उत्तर प्रदेश में, सारे लोगों को राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। 2017 के पहले आपको भी पता है कितना आवास मिलता था, और आवास मिलता था गिने चुने लोगों को, गिने चुने जातियों को, ठीक है। अभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, बेरोजगारी चुनाव में मुद्दा बने, कोई मुद्दा नहीं है, जो काम करने वाला उसके लिए रोजगार है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से जाइए, आपको भी 10 लाख रुपया का लोन मिलेगा, और आप 10 लाख रुपया लेके आप बिजनेस कीजिए ना। हम भी बिजनेस करते हैं, हम भी व्यापारी करते हैं, 20 साल मेरी 38 साल उम्र है और मैं 20 साल से व्यापार कर रहा हूँ। जरूर बेरोजगारी कोई मुद्दा, अगर काम करने वाला आदमी होगा तो काम करे, कोई काम छोड़े, जरूरी नहीं है कि नौकरी को ही बेरोजगारी। इस विधानसभा सीट पर चर्चा हो रही है, बात की जा रही है कि बीजेपी का विधायक जो सिटिंग एमएलए थे उनको बदल दिया गया, इसका नहीं, भाजपा बड़ी पार्टी है ना। भाजपा में कहीं से कहीं किसी को उठा के रखा, सकलदीप राजभर कभी सोचा नहीं था कि राज्यसभा सांसद बनेंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी सभी लोगों की पार्टी है, ठीक है, सभी जात धर्म को लेकर चलती है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। अनंत शुक्ला को वहाँ पे भेज दिया गया, समझ रहे कि नहीं?
बीजेपी जात पद की राजनीति नहीं करती है, सबका साथ सबका विकास लेके काम करती है। इस बार क्या होगा बलिया में? इस बार सातों विधानसभा में साइकिल समाजवादी पार्टी जीत रही है। यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ है, अभी तक ले कोई एक धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक जुमलेबाजी है, 5 किलो 4 किलो 3 किलो राशन के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर ये वोट मांगने के काम कर रहे हैं और जनता को छल रहे हैं। अभी अभी जोगी जी आए थे, बोले भीरगु मंदिर को बहुत बड़ा निशान बनाएंगे। अभी क्या भीरगु मंदिर बना नहीं है? बहुत बढ़िया है हम लोगों का, लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद, अभी जो जलेश्वर मिश्र जी का पुल बना है हमारे देहरांचल पर, अभी तक ले भाजपा सरकार में कोई एक अप्रोच एक इंच तक ने नहीं लगाया है, कोई विकास का काम नहीं किया है, अभी तक ले अप्रोच नहीं बना है, सिर्फ झूठ मूठ के फीता काटने में माहिर है और कोई धरातल पे काम नहीं है। 3 बार 4 बार प्रधानमंत्री जी का यहाँ तो आगमन हो गया, इस बार यहाँ बदलाव होने वाला, पूरा बदलाव होने जा रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम राम नारायण पहलवान है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा बलिया में? ऐसा है कि जो प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही है, बलिया के विकास का कोई कहीं से कोई मुद्दा या कोई काम नहीं हुआ, और बलिया चुनाव करेगा विकास के नाम पे। बलिया जब सपा की सरकार थी उसी का विकास आज तक दिखाई दे रहा है। 8 साल भाजपा की सरकार हुई, बलिया में कोई विकास का काम नहीं हुआ, यहाँ तक कि एक रोड नहीं बनाई गई। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 7 सीट इस बार बलिया में हम जीत रहे हैं। ऐसा है कि इनके मुंह में वोट है और मुंह से जीत जाएंगे। माउथ मीडिया इन लोगों की तेज है, ये माउथ मीडिया बिकी हुई है, हर जगह लोग पैसा पे बिक रहे हैं, तो सब लोग तो बिकने वाले हैं नहीं। यहाँ तो विकास के नाम पर वोट बलिया करेगी, और बाहरी और बलिया बाहरी बनाम बलिया की लड़ाई है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? योगी और मोदी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, पूरा सच्चाई ईमानदारी के साथ, सच्चाई ईमानदारी के साथ बनाएंगे। सही है इन लोगों का अनाज अरे उसका सरकार है तो मिल भी गया, उसका रहता तो 7 दिन धार डकैती होता। क्या कह रहे हैं? 1 महीना बीच लगा करके पहले राशन मिल रहा था, आज है कि हर महीना में 1 किलो भी राशन नहीं कट रहा है। 1 किलो राशन नहीं कट रहा है। तो क्या है, क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? बस भाजपा जीतेगी, भाजपा जीते। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में बलिया में किस तरह की हवा बह रही है? देखिए हवा किसी के बारे में कोई जानता नहीं है, आप कहाँ वोट देंगे केवल आप जानते हैं, और प्रजातंत्र में लालची लोभी जात पात धर्म विशेष की बात होती है, इसलिए मैं कभी किसी को स्पष्ट रूप से ये नहीं कहूँगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। माहौल किस तरह का है? अपने विधानसभा चुनाव है, प्रचार प्रसार हो रहा है, 10 आदमी अगर एक पार्टी के फेवर में बोल दिए तो माहौल बन जाएगा। किसी की आत्मा की बात ना आप जानते हैं, केवल ईश्वर जानता है। अच्छा, मौजूदा जो पिछले विधायक थे आपके, 5 साल रहे बीजेपी के विधायक थे, आपके क्षेत्र में विकास से जुड़े काम को यहाँ पे क्रियान्वित किए? आप जहाँ खड़े हैं बगल में राज्य मंत्री भी रहे हैं और यहाँ के विधायक थे, यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ेगा। आज भी सड़क उसी तरह है, कल भी वैसी थी, और लगभग उनके इन लोगों के आने से परसों भी वैसी ही रहेगी। कोई विकास काम दिखा नहीं, कोई विकास का काम नहीं दिखा। कुछ और लोग हैं बात करना। हाँ बताइए। ये लोग सोच ईमानदार काम धंधार, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं एक केवल मतदाता हूँ, भारतीय हूँ, बलिया नगर क्षेत्र का मैं एक मतदाता हूँ, और टिप्पणी जो सत्ता में होती है उसी पर होनी चाहिए। जो आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जो सत्तासीन होता है, विरोध उसी का होना चाहिए। एक बीजेपी जो कहलाती है भारतीय जनता पार्टी, उसका असली नाम बड़ी झूठी पार्टी। मेरा नाम त्रिविक्रम पांडे है, गगन। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में आपके बलिया में क्या होने वाला है? बलिया में 7 विधानसभा है जिसपे कम से कम 6 पे समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। क्योंकि जितना भी
बीजेपी सरकार के जितने भी कदावर नेता है केवल और केवल उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को ठगने का काम किया है, उनके साथ झूठ बोलने का काम किया है और नौकरी मांगने पे लाठी देने का काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने ये तय कर लिया है कि आने वाले 3 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी का सरकार बनाएंगे और नौजवानों के लिए नौकरी का जो वो वादा किए हैं, क्योंकि जो अखिलेश यादव वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए नौजवानों ने ये ठान लिया है कि हम अखिलेश यादव का सरकार बनाएंगे और बना के रहेंगे। बीजेपी के तो बीजेपी कह रही है कि उन्होंने विकास किए हैं, गरीबों को राशन दिया है, विकास से जुड़े और उन मुद्दों के साथ वो चुनाव में जा रही है और जनता को उन्हें प्यार। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब तो ये होता है कि हमको स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, केवल 3 मुद्दा होना चाहिए और बीजेपी सरकार जो है इस 3 मुद्दों से हट के बात करी है। केवल वो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद, इसके अलावा और कुछ नहीं की है। एक जगह कहती है कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, हम उत्तर प्रदेश का हम टेट क्वालिफाई हैं, 2011 टेट पास हैं, हमारे संगठन के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 290 करोड़ रुपया जमा किया गया है फार्म भरने के नाम पे, और नौकरी मांगने पर ये लोगों ने लाठी दिया। तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर हम क्या कहेंगे कि नहीं हमारा विकास हुआ है? बलिया में कोई कांटे की लड़ाई, परिवारवादी परिवारवादी यहाँ पे हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। परिवारवादी हार रहे हैं, परिवारवादी हार रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। ये तो भैया 10 तारीख को मालूम होगा, ये तो भैया 10 तारीख को मालूम होगा कि परिवारवाद की बात जो कहते हैं ये समाजवाद है, ये रोजगार देने का पार्टी है, न कि परिवारवाद है। ये केवल 5 किलो अनाज दे के सिर्फ और सिर्फ रोजगारों को ठगने का काम करी है सरकार। 5 किलो अनाज हमको नहीं चाहिए, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार पे हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा, ना कि अगर हम राशन खाते रहेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी सुरक्षित नहीं हो सकता है। आप पुराने लोग हैं, आप बताइए, आप तो कई चुनाव को देख रहे हैं, इस बार एक किस तरह की हवा यहाँ चल रही है? हवा हवा कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है। किधर जा रहा है अब? वो साइकिल चल रही है चारों तरफ। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने जो विकास के दावे किए थे उन मुद्दों के आधार पर बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पी ने विकास के जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए।